सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आप सभी का दोस्त मुदित। तो गाइस, आज मैं आपको कुछ सीक्रेट स्पॉट्स बताऊंगा फायरिंग रेंज के अंदर, जो आप डेफिनेटली अपने हाइड एंड सीक बोलो, मतलब सर्च एंड डिस्ट्रॉय या फिर टीडीएम फायरिंग रेंज या डोमिनेशन आए तो आप उन पर अच्छे से नज़र रख सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम लोग रस्ट मैप के बाहर जा सकते हैं, और उसके अगली वीडियो में, रस्ट मैप के बाहर जाने की अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप मल्टीप्लेयर में टीपीपी कैसे स्विच कर सकते हैं। तो गाइस, पहले हम ये वुडन हाउस के अंदर आते हैं, फिर मैं वहाँ से आपको एक बताता हूँ कैसे करना है। गाइस, ये मुश्किल है, मुझसे भी कुछ ट्राइज बाद ही होगा। हो जा रे रे गाइस, फेलियर होंगे तो कोई बात नहीं। अरे यार, मुश्किल है ये थोड़ा। ध्यान से जाना है। और गाइस, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, बस आपको क्या करना है, बी डोमिनेशन फ्लैग में आप यहाँ से अच्छे से नजर रख सकते हो, और वहाँ पीछे पीछे भी आप नजर रख सकते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा कूल हाइडिंग स्पॉट है। तो गाइस, बढ़ते हैं हमारे अगले हाइडिंग स्पॉट, जो बस के अंदर है। तो गाइस, यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर सकते हो, इन चीज़ों के ऐसे ऊपर चढ़ सकते हो, और कोई आप मतलब सोचेगा भी नहीं कि आप इधर हो गए। तो पहले तो मैं आपको यहाँ चढ़ के दिखा देता हूँ। यहाँ चढ़ने के बाद आप कोई सोचेगा भी नहीं आप यहाँ हो, और हार्ड पॉइंट होता है ना, आप हार्ड पॉइंट पर अच्छे से इधर नज़र रख सकते हो, और कोई सोचेगा भी नहीं आप इधर हो। चलो, अब बढ़ते हैं हमारे अगले हाइडिंग स्पॉट की तरफ, जो आता है, किधर आता है। अरे, गायब हो गई जगह। एक मिनट। जो इधर आता है। अब गाइस, पहले क्या करना होता है, आपको इस गाड़ी के ऊपर चढ़ना होता है, फिर इधर जाके जंप, और इसके बाद इस चीज़ के ऊपर खड़े होना है। तो गाइस, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर मुझे पता है अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो हुक कर लोगे आप, पर मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे। अरे रे, चढ़ ही गया था। और गाइस, यहाँ पे चढ़ गया हूँ। अब आप यहाँ से थोड़ा आगे जाओगे, और यहाँ से आप बिल्कुल वो पीछे वाली गली पे नज़र रख सकते हो, पीछे से जो लोग आएंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा हाइडिंग स्पॉट है। बढ़ते हुए हमारे अगले हाइडिंग स्पॉट की तरफ, जो इधर है। अब गाइस, यहाँ पे क्या करना होता है, पहले मेरा भाई हटे, फिर ही दिखाऊँगा। हाँ, साइड हो जाओ। क्या पहले गाइस, ये जो पत्थर है, आपको इस पर चढ़ना होता है ऐसे। एक मिनट, पीछे से आते हैं। इस पर चढ़ने के बाद आपको इस पिलर के ऊपर चढ़ना होता है। अरे रे, एक मिनट गाइस, वापस मैं पहुंच जाऊं। अब आपको क्या करना है, इस चीज़ के ऊपर जाना है, और यहाँ पे आप सक्सेसफुली पहुंच जाओगे, और आराम से आप यहाँ पे मार सकते हो बंदों को। यहाँ पे वैसे तो कोई सोचने भी नहीं वाला आप यहाँ पे हो, तो आप आराम से यहाँ पे SND क्रैश में सेफ रह सकते हो, डोमिनेशन में भी। चलो, अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्पॉट की तरफ, जो है इधर ए डोमिनेशन फ्लैग पे वापस। तो गाइस, बस आपको क्या करना है, अपने हाथ में नेड वो सब पकड़ना है, इधर जंप करना है। अरे हाँ, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। यहाँ पे आना है, फिर यहाँ से ऐसे हो जा। अरे मुश्किल है, कोई बात नहीं, वी विल ट्राई। अरे यार, हो ही नहीं था। आइडिया में इस पिलर के ऊपर जंप करता हूँ। अरे, ये मेरा भाई बीच में आ रहा है बार बार। अगर गाइस ये हो नहीं पाता, तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कैसे करना है, या फिर शायद ना ही बताऊँ, वो कोई बात नहीं, जैसे ही मुझसे ये हो जाएगा मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। और गाइस, यहाँ पे मेरा भाई पहुँच चुका है, तो बस आपको बेसिकली क्या करना होता है, इसके ऊपर खड़े होना पड़ता है, इधर से इधर जंप मारते हुए सामने भागना होता है,
और यहाँ ऊपर की तरफ आप पेड़ के पीछे आ जाओगे और वहां से आप आराम से ये पे संभाल सकते हो। एक मिनट गाइस, लास्ट ट्राई करते हैं। भागो, फिर इधर 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 इधर, अरे वेट, लास्ट छोड़ो, बेकार। तो गाइस अब अगला हाइडिंग, ये हमारा लास्ट हाइडिंग स्पॉट है। तो पहले क्या करना होता है, इधर इधर ऐसे चढ़ गए और फिर इसके ऊपर ऐसे जंप मारनी होती है। वेट, ये तो कर दूंगा मैं। हाँ, यहाँ पे आप पहुँचोगे और आराम से आप यहाँ SND क्रैश में बी वाले पॉइंट पे नज़र रख सकते हो अगर आपके टीममेट्स को कोई पीछे से मारने हैं। और अभी मैं इसको भी मार देता हूँ। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।